पौगुणा परिवार की तीसरी पीढ़ी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। गोल्डन स्पून के साथ पैदा हुए हैं। खेल भी आपने ऐसा चुना जैसे अमीरों को खेल माना जाता है। विभाग आपको दोनों ऐसे मिले कि जो बिल्कुल गरीब तबके के विभाग है, कैसे आप बैलेंस करोगे इन सब चीजों को? ये चैलेंज है, ठीक है, आई एम टेकिंग इट अप एज अ चैलेंज कि भाई ठीक है, मुझे पशुपालन में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, बहुत ज्यादा मेरा इंटरेस्ट की फील्ड नहीं थी, लेकिन यस आई एम वर्किंग हार्ड टुवर्ड्स इट। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में एक बड़ा फर्क है। राजनाथ सिंह जी के बेटे सबसे ज्यादा वोटों से जीतते हैं, मंत्री पद नहीं मिलता। यहाँ आप भी मुख्यमंत्री के बेटे, आपको मंत्री पद मिलता है, लकी मानते हो अपना? लेकिन लक तो बहुत मेजर रोल प्ले करती है आपकी लाइफ में। गन्ना भुगतान को लेकर क्या है प्लान? लेकिन 2012 से 17 के बीच में दो चीनी मिलें उत्तराखंड की बंद हुई, काशीपुर और गदरपुर। उस वक्त तो आपके पिताजी मुख्यमंत्री जी। मैं आंकड़े देख रहा था, गन्ना किसानों का 231 करोड़ रुपया बकाया है, अकेले इकबालपुर चीनी मिल पर ही लगभग 180 करोड़ रुपए का। मैं आपको बता रहा हूँ, क्या 14 दिन में भुगतान करेगी आपकी सरकार? नहीं, मैं आपको उस भुगतान पे भी बता रहा हूँ। क्या 14 दिनों में हम मान ले कि सौरभ पवना जी करके दिखाएंगे, इतिहास रच देंगे? मैं देखिए, कोई आपके चैनल पे कोई गलत स्टेटमेंट दे दूँ, कोई ऐसा होप दे दूँ, वो गलत है। चीनी मिल बंद नहीं हो रही, चीनी मिल तो कोई भी बंद नहीं हो रही, कौन सी बंद हुई है? युवा मंत्री ने खोले दिल के राज। आपके पास विभाग है, पशुपालन विभाग भी आपके पास है, कहा जाता है उनकी जुबान नहीं होती है। अपना दर्द बताएंगे कैसे आपको? और जिनके पास जो दर्द बता सकते हैं वो सही समय तक सही जगह पहुंच नहीं पाते हैं, तो चैलेंजिंग तो है आपके पास। चैलेंजिंग है। एक और विभाग भी आपके पास और उसी का बजट लैप्स हो जाता है, क्या ये सही बात? अच्छी नहीं है, लैप्स किसी भी बजट का नहीं होना चाहिए। क्या हमारे राज्य की उत्तराखंड में? मैं आपको यही बता रहा हूँ, मैं वकील आदमी, मैं समझ गया हूँ आप क्या बुझोगे। अपने दादा हेमवती नंदन बहुगुणा का सपना करेंगे। अब आगे क्या चाहते हैं कि आपकी पहचान किस तरह से हो, बहुगुणा परिवार से या सौरभ का अकेले? मेरी बहुगुणा मेरा मेरी लेगेसी, ना मैं उससे दूर भागना चाहूंगा ना मैं उससे हटना चाहूंगा। आज भी क्या गाइडेंस मिलती है पिताजी से? जरूर, क्यों नहीं, डांट लगती है? डांट ये नहीं, वही आप को मिला के हम मान ले कि राजनीति तो डीएनए में है ना, राजनीति तो ब्लड में है। देखिए दो कदम मंत्री सौरभ पौगुणा का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू।